गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी जंक्शन। मैं हूं वीर धनक, आपका होस्ट, और लेकर आया हूं एक और मज़ेदार वीडियो। आज मैं जिस मूवी की बात करने वाला हूं, वो मूवी मुझे 2021 में एक ब्लॉकबस्टर मूवी की याद दिलाता है, जिसका नाम था पुष्पा। हाँ दोस्तों, तो एक साउथ की तरफ से एक और मास एक्शन मूवी आ चुकी है, जिसका नाम है दसरा। ये सिमिलर है नाम एक दशहरा के ऊपर, और इस मूवी के अंदर थोड़ा बहुत रामायण से रावण का टच भी लाया गया है, जिससे थोड़ी सी मूवी को डार्क टोन मिल रही है। और मूवी को देख के ये तो पता चल रहा है कि मूवी जो है एक हीरो बेस्ड मूवी नहीं है, मतलब जो हमारे मेन लीड रोल होंगे उसके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ होगी, और उनकी जो लुक है, एक्चुअली मैं पुष्पा की याद इसलिए दिला रहा हूँ कि जो उनकी लुक दी है वो लुक पुष्पा से कहीं ना कहीं इंस्पायर है, और ये साफ साफ पता चल रहा है मूवी के डायरेक्टर का कहीं ना कहीं पुष्पा को लेकर कुछ ना कुछ इंप्रेशन रहा होगा, तभी उन्होंने उसको ऐसे लुक में लिया है। और मूवी के जो मेन लीड में रोल है वो तमिल मूवी के जो सुपरस्टार है नानी, तो इसका एक तो ये फ़ायदा ये है कि साउथ और नॉर्थ में दोनों उन एक्टर को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, थोड़ा सा उनका फैन बेस बना हुआ है, और जिससे मूवी को कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होगा ही होगा। बाकी उनकी एक्टिंग स्किल की बात करें तो वो आप ट्रेलर में देख ही सकते हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, डायलॉग डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, और एक्शन तो हम पहले भी उनका देख चुके हैं, और इस मूवी में थोड़ा बहुत एक्शन उनका देखने के लिए मिलेगा, बट वो एक्शन वैसा वाला नहीं होगा कि वो मशीन गन लेकर आ रहे हैं, कोई तोप लेकर आ रहे हैं, ये एक्शन पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल एक्शन होगा। चाकू छुरी चलेगी, तलवार चलेगी, और थोड़े बहुत मुक्के भी चलेंगे। और मूवी को देख के इतना पता चल रहा है कि जो हमारे जो करेक्टर हैं वो कुछ ग्राउंड लेवल वर्क करते हैं, और पियक्कड़ है, दारू पीते हैं, और नशे में उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया, वो नशे में कराया कैसे ही तो मूवी देख के पता चलेगा, बट उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा काम करा जिसकी वजह से कुछ बुरे लोग उनके पीछे पड़े हैं जो कि उनसे कोई बदला लेंगे, और बैक स्टोरी में क्या है पीछे ये तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और साथ ही साथ इसके अंदर फीमेल एक्टर भी हमारी कृति, जो कि उनकी एक्टिंग के बारे में हम क्या ही बताएं, पहले भी जो मूवी देख चुके हैं उसके अंदर वो जब भी आते हैं मूवी के अंदर वो पूरी की पूरी ऑडियंस उसको वहीं पर, मतलब पूरी पूरी ऑडियंस खींच लेते हैं उनकी एक्टिंग स्किल, और यहाँ पर भी उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, मगर ट्रेलर में उनको ज़्यादा दिखाया नहीं गया, बट जितना भी दिखाया गया है उससे ये पता चल रहा है कि उनका भी कोई मेन लीड रोल रहेगा, और थोड़ा बहुत लव एक्शन रहेगा हमारे मेन लीड रोल के साथ, जिसमें थोड़ा बहुत लव स्टोरी होगी, एक्शन बहुत ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ पर्पस होगा जो कि गैंग वॉर टाइप होगा, खून खराबा होगा काफ़ी ज़्यादा। तो ओवरऑल पुष्पा को, पुष्पा टू का हम इंतजार कर रहे थे, वो तो नहीं आए, मगर साउथ वाले हमारे लिए पुष्पा की जैसी, पुष्पा की याद ताज़ा करने के लिए एक और एक्शन पैक मूवी ले आया है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल है, और लोग रिलेटेबल कर लेते हैं अपने आप से, देखने में मज़ा आता है ऐसी डार्क मूवी जिसके अंदर विलेज को दिखाया जाता है और चाकू छुरी चलती है, ताकि कोई मशीन गन टाइप थोड़ा सा फेक लग जाता है, वो बहुत ही रियलिस्टिक मूवी है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो हिंदी डबिंग करी है वो हमारे शरद केलकर ने करी है, जो कि बाहुबली के अंदर भी अपनी डबिंग दे के उस मूवी को बहुत अच्छा बना चुके हैं, तो इसके अंदर भी उनकी थोड़ी सी भारी आवाज़ है जो कि उसके लुक के हिसाब से मैच कर रही है, और मूवी देखने में मज़ा आएगा। अगर मूवी की डबिंग बेकार हो जाती है ना तो कई काफ़ी का मूवी ना मज़े नहीं आते देखने में, तो एक अच्छी बात है कि हमारे मेन लीड रोल में जो डबिंग है उसकी अच्छी हो रही है, अच्छे एक्टर चूज़ करें, वॉइस ओवर बहुत अच्छा है, तो काफ़ी एक्साइटेड है। मूवी आने वाली है शायद 30 मार्च को, तो देखेंगे और बताएंगे आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो पे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ चुकी है हमारे चैनल की, और ज़्यादा चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।